तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या है दो प्लेन्स दे रखे हैं और इन दोनों प्लेन्स का जो एक्यूट एंगल है वो बेसिकली आएगा तो से से उसको सेटिस्फाई करेंगे है? तो यहाँ पे तो फर्स्ट प्लेन दे रखा है एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो और P2 हमें यहाँ पे क्या दे रखा है दैट इज प्लेन टू इसकी इक्वेशन हमें दे रखी है टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो ओके तो अब यहाँ पे हम एंगल वाई सेक्टर इक्वेशन जब अप्लाई करेंगे तो एंगल वाई सेक्टर इक्वेशन क्या होती है बेसिकली ये हो जाएगी यहाँ पे अगर हमें दो प्लेन दे रखा है लेट सपोज यहाँ पे हमें एक प्लेन दे रखा है ए एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड एंड प्लस डी दे रखा है और दूसरा प्लेन हमें कोई दे रखा है ए सपोज ये दे रखा है ए वन एक्स बी वन वाई एंड सी वन जेड एंड प्लस डी वन और दूसरा प्लेन की इक्वेशन हमें दे रखी है ए टू एक्स प्लस का बी टू वाई प्लस का सी टू जेड एंड प्लस का डी टू तो एंगल वाईज सेक्टर इक्वेशन बेसिकली यहाँ से होगी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड एंड प्लस का डी वन अपॉन अपॉन यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस और यहाँ पे आई ए टू एक्स प्लस का बी टू बाई प्लस का सी टू जेड एंड प्लस का डी टू अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पे जब हम एंगल वाई सेक्टर इक्वेशन में पुट करेंगे जो प्लेन की वैल्यू हमें दे रखी है उनके अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट में ये कितना हो जाएगा यहाँ पे वन प्लस फोर प्लस फोर ओके एंड इक्वल टू प्लस माइनस ये हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स जेड प्लस का वन अपॉन ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट में टू स्क्वायर प्लस का थ्री स्क्वायर एंड प्लस का सिक्स स्क्वायर ओके तो जब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस टू वाई माइनस सॉरी इट इज माइनस टू जेड प्लस वन अपॉन ये हो जाएगा थ्री इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई एंड माइनस सिक्स जेड प्लस वन प्लस वन अपॉन ये कितना हो जाएगा सेवन ठीक है तो यहाँ से हम क्या करेंगे अब इसके बाद हम ए वन ए टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू एंड प्लस सी वन सी टू की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे प्लेन एज्यूम करे थे दो प्लेन पी वन या ए वन एक्स प्लस बी वन बाई प्लस ए वन जेड प्लस डी वन एंड प्लेन पी टू है यहाँ पे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू तो इससे कंपैरिजन करके हम यहाँ पे बेसिकली किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू और अगर इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे आएगी ट्वेंटी क्योंकि यहाँ पे ये जो प्लेन पी वन है प्लेन पी वन की इक्वेशन ही है तो ए वन की जगह क्या है वन बी वन की जगह है माइनस टू एंड सी वन की जगह है माइनस टू ऐसे ही ए टू की जगह क्या है टू एंड बी टू की जगह क्या है माइनस थ्री एंड सी थ्री की सी टू की जगह क्या है माइनस सिक्स तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे ट्वेंटी और ये ट्वेंटी बेसिकली ग्रेटर देन जीरो है तो अब ये जब ग्रेटर देन जीरो है तो बेसिकली यहाँ पे जो माइनस साइन होगा ना माइनस साइन नेगेटिव साइन विल गिव एक्यूट बाई सेक्टर एक्यूट एंगल वाई सेक्टर ठीक है क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है तो जो नेगेटिव साइन है वही एक्यूट एंगल वाई सेक्टर देगा तो यहाँ पे जब हम फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे ठीक है ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लेंगे तो यहाँ पे ये यह हो जाएगा सेवन एक्स माइनस वाई एंड माइनस जेड प्लस का सेवन इक्वल टू इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस तो यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का ये ये हो जाएगा सिक्स एक्स एंड माइनस का नाइन वाई एंड माइनस का एट्टीन जेड एंड प्लस का थ्री ठीक है तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे ये यह आ जाएगा थर्टीन एक्स ठीक है थर्टीन एक्स माइनस माइनस का ट्वेंटी थ्री वाई एंड माइनस का थर्टी टू जेड एंड प्लस का टेन इक्वल टू जीरो जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमें यहाँ पे ये इक्वेशन फाइंड होगी ओके और ये एक्यूट एंगल वाई सेक्टर की इक्वेशन है तो ये जो एक्यूट एंगल वाई सेक्टर है ये बेसिकली प्लेन पीपर है तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो प्लेन पी के जो कोऑर्डिनेट हैं बेसिकली जो प्लेन पी के हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इनमें से कौन से कोऑर्डिनेट ये एक्यूट एंगल वाई सेक्टर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हम यहाँ पे वन बाई वन करके जब पुट करेंगे पहले ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन के वैल्यू हम पुट करेंगे फिर सेकंड ऑप्शन की वैल्यू पुट करेंगे फिर थर्ड ऑप्शन की वैल्यू पुट करेंगे और फोर्थ ऑप्शन की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें फ़ाइन होगा कि केवल ऑप्शन सेकंड की वैल्यू ही ये जो एक्यूट एंगल वाई की इक्वेशन हमने फाइंड करी है राइट आंसर थैंक यू क्लास सिक्स से लेकेट आई आई टी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करे डाउट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर